फ्रेंड्स, ये हमारे पास माइक्रोटेक का इन्वर्टर। यहाँ पर हमारी इस समय सप्लाई आउट है, लगा हटा रखी है। और यहाँ पर ये अभी भी ये जो है मेंस दिखा रहा है, लेकिन ये आउटपुट देने में भी प्रॉब्लम कर रहा है। यहाँ पर हमने हटा रखा और इसमें प्रॉब्लम क्यों हो रही है अभी बताऊँगा मैं आपको। यहाँ पर हमने ये लगा दिया, यहाँ पर तो हमारा ये काम कर रहा है, ठीक है। ये बैटरी से सप्लाई आ रही है, ये 2 लीड बैटरी की प्लस माइनस। ये हमारी मेन आउट हटा रखी है हमने, ठीक है। लेकिन हम जैसे इसको मेंस इसमें लगा रहे हैं तो ये यहाँ पर फ्यूज ब्लो दिखा रहा है, ठीक है। और यहाँ पर ये जैसे हम इसको हटा देंगे, दोबारा ऑन करेंगे, तब जाकर लाइट आ रही है, ठीक है। लेकिन जैसे अगर हम इसका फ्यूज़ को पहले बंद कर देता हूँ मैं, यहाँ पर हमने इसका फ्यूज लगा दिया, फिर उसका फ्यूज ब्लास्ट हो गया था, जला नहीं था, ब्लास्ट हो गया था, ठीक है। तो इसका फ्यूज आप देख सकते हैं, ये फ्यूज बिल्कुल ओके है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो जला हुआ था वो हमने निकाल दिया, ये हमने नया लगा दिया इसके अंदर, लेकिन उसके बावजूद भी ये काम नहीं कर रहा। तो क्या होगा इसके अंदर प्रॉब्लम, तो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। फटाफट हम यहाँ पर बैटरी की लीड को खोल देंगे। ये हमने बैटरी की एक लीड खोल दी, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और जो इसके पेच लगे हैं, ये सब पेच हमने खोल दिए, इसको ढक्कन को हटा देंगे। और यहाँ पर ये जो इसके अंदर फ्यूज हमारा जल गया था, उसको हमने साफ़ किया, तो उसके बाद भी ये काम नहीं किया, क्योंकि यहाँ पर जो है मसला यहाँ पर हो गया। यहाँ पर जो इसका ये है पूरा, ये पूरा जल चुका है, इस वजह से फ्यूज़ काम नहीं कर रहा, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पर ये जल गया है तो खुलने में भी थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, ये थोड़ा टाइट खुल रहा है। और इस वायर को हम आयरन से हटा देंगे, ठीक है। ये है इसका पूरा मटेरियल और ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे पास एक नया फ्यूज़ होल्डर है, इसको फ्यूज़ होल्डर बोलते हैं। यहाँ से इसको खोलेंगे, इस होल्डर को इस तरह से लगा देंगे। और ये नट वाशर है, ये वाशर को हम इस तरह से लगा देंगे और ऊपर से ये नट लगा देंगे। ये प्लास्टिक का नट है, पीवीसी नट, और इसको टाइट कर देंगे, लेकिन ज़्यादा टाइट नहीं करेंगे क्योंकि ये प्लास्टिक का नट है। ज़्यादा टाइट करेंगे तो ये फट जाएगा, स्लिप हो जाएगा। और इसको हल्का सा हम टाइट कर देते हैं, दोनों जगह पर यहाँ पर पेस्ट लगाएंगे। पहले यहाँ पर सोल्डिंग कर देंगे तो आराम से ये यहाँ पर वायर को पकड़ लेगा, ऊपर वाले को, जो हम ऊपर से वायर लगाएंगे। एक वायर हम यहाँ पर लगा देंगे, अच्छी तरह से लगा देंगे, ये ठीक है। और दूसरा वायर जो है हमारा वो ये है, अगर आप पहली बार लगाएं तो इस तरह से लगाएं, एक छुटाएंगे और एक लगाएंगे। ये एसी सप्लाई का फ्यूज है, इस तरह से ये अंदर बाहर होता है, जब फ्यूज लगता है तो ये इस तरह से अंदर को हो जाता है। अब हम इसका कवर लगा देंगे क्योंकि इसके अंदर बाकी कोई भी कमी नहीं है। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमने होल्डर लगाया इसमें फ्यूज डाल देंगे इस तरह से, या फिर इस तरह से लगाएंगे तो और भी अच्छी बात है, ठीक है। इस तरह से इसके अंदर फ्यूज लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद बैटरी की तारा लगा देंगे, यहाँ पर हल्की सी स्पार्किंग होगी। अगर इसको आप लूज़ पकड़ेंगे तो हल्का मुल्का करंट लग सकता है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं लगेगा। लेकिन अगर इसको टाइट पकड़े रहेंगे और बोल्ट टाइट करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन करंट ऐसा डरने वाला करंट नहीं लगता है, लेकिन कभी कभी लग जाता है। लेकिन इसको पकड़ेंगे ऐसे तो कोई करंट नहीं लगेगा। जब ये दोनों तार हम लगाते हैं तो कभी कभी स्पार्क होके करंट लगता है हल्का सा, लेकिन वैसे 12 वोल्ट में कोई करंट नहीं लगता, 24 वोल्ट में भी कोई करंट नहीं लगता। मैं यहाँ पर पकड़ सकता हूँ, दोनों एक साथ पकड़ सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हमारे ये बैटरी की तारें भी लग चुकी हैं और ये हमारा इन्वर्टर का ढक्कन हमने लगा दिया, पेच हम बाद में लगा देंगे। ये हमारा होल्डर है, इसमें लगाएंगे हम बाहर आउटपुट में। तो यहाँ पर पहले आप देख सकते हैं इन्वर्टर हमने अभी ऑन नहीं किया, जो पहले यहाँ पर मेन वाली LED जल रही थी,
यानी बिना सप्लाई लगाए ही मेन वाली एलईडी जल रही थी पहले, लेकिन अभी हमने मेन नहीं लगाई है तो ये हमारी एलईडी अब नहीं जल रही है। ठीक है, तो पहले हम यहाँ पर, अभी कोई एलईडी नहीं जल रही है, और यहाँ पर हम इसको ऑन करते हैं तो ये यूपीएस वाली एलईडी जल चुकी है और यहाँ पर ये काम कर रहा। अब इसमें प्रॉब्लम क्या हो रही थी, जैसे ही हम यहाँ पर ये मेन सप्लाई लगा रहे थे तब ये जो है बल्ब नहीं जल रहा। अब देखते हैं क्या होता है। ये हमारी मेन सप्लाई है और यहाँ पर देख सकते हैं ये अब ठीक से काम कर रहा है, और चार्जिंग देखते हैं, एक चार्जिंग भी आ गई है। ठीक है ठीक है, और यहाँ पर हम इसके एम्पियर देखते हैं कि चार्जिंग ये कर रहा है नहीं कर रहा है। तो ये जो है इस समय 4 एम्पियर चार्जिंग हो रही है, बैटरी फुल है हमारी, इसमें ये 4 एम्पियर दिखा रहा है। अभी और कम हो जाएगी 3 एम्पियर क्योंकि बैटरी फुल है। तो ये हमारा ठीक से काम कर रहा है, इन्वर्टर हमने बंद कर दिया है। ठीक है, और ये हमने ये इन्वर्टर ऑन कर दिया, सप्लाई लगा दी है तो ये ठीक से काम कर रहा है। तो ये हमारा जो फ्यूज ब्लो कर रहा था, फ्यूज लगाने के बाद ही नहीं कर रहा था, तो इसका जो होल्डर था वो हमारा होल्डर जल गया था। तो इस तरह से ये आप होल्डर चेंज कर सकते हैं, ज़्यादा महंगा होल्डर नहीं होता है, तो आप इसको घर बैठे भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा ठीक से काम कर रहा, ना ही कोई इंडिकेटर दे रहा है। ठीक है, ओके, टाटा, बाय बाय।